नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंदु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बना है उसका थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। वो कल के लिए मतलब 6 मार्च 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। तीनों सेट ऑफ बाई लेवल सेल लेवल पिवट पॉइंट 100 डे मूविंग एवरेज और इनसेट द बार NR4 NR7 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ तो वो भी नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे चार्ट का सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, टेक्निक्स है, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर है इसको कैसे स्किनिंग करना है, इसमें क्या क्या है, ये भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग इसको इस्तेमाल करके कैसे आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल कैसे हेल्पफुल मतलब इस बेनिफिट होगा तो ये आप लोग को देख लेंगे। तो परफॉर्मेंस वाला वीडियोस भी देख लेंगे, इसमें कैसे एंट्री लेना है। और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का, फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उधर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, क्या कैसे आप लोग को बेनिफिट हो सकता है। तो ये वीडियो ये तो उधर से आप लोग लिंक दिया जाएगा और डाउनलोड करने का भी लिंक आप लोग को दिया जाएगा, उधर आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग एलिस ब्लू में कोई अकाउंट ओपन हो सकता है क्या, एंजल बुकिंग में या अपस्टॉक्स में, मेरा उधर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने बाय लेवल सेल लेवल 1 तीनों सेट ऑफ बाय लेवल सेल लेवल दिखाऊंगा। बाय का एंट्री लेवल बाय लेवल सेल लेवल 1 में बाय का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 वहाँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डाना तरफ सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 वहाँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डाना तरफ। और इधर बाय सेल लेवल 2 में आप लोग बाय सेल लेवल 2 भी आप लोग यूज़ कर सकता है, या बाय सेल लेवल 2। और इसके बाद बाय सेल लेवल 3 आएगा, यह बाय सेल लेवल 3, इसका R1 का बाय का एंट्री लेवल है, S1 का सेल का एंट्री लेवल है। और सभी में गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर करना है, मार्केट ओपन होने का तो कौन सा लेवल पे है वो आप लोग को देख लेना है, उसका हिसाब से आप लोग को ट्रेड लेना है। आप लोग परफॉर्मेंस मेरा वीडियो से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उधर लाइव मार्केट एक्चुअल रियल मार्केट में मैंने चार्ट में दिखा के कौन सा अगला दिन का जो फाइल शेयर करता हूँ वो चार्ट में कैसे बिहेव किया और कैसे एंट्री ले सकता है वो मैं आप लोग दिखाता हूँ। और बहुत सारे परफॉर्मेंस वाले वीडियोस उधर है, वो आप लोग देख सकता है। और एक वीडियोस देखेंगे तो आप लोग को क्लियर नज़र क्लियर हो जाएगा, ये बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। तो इसको इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। ये IT1 लेवल टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। और इधर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक लेवल मैंने ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो वीडियो डाला है उसमें मैंने ऑलरेडी दिया हूँ। इधर तीनों सेट ऑफ ऐसा लेवल दिखाऊंगा और पिवट पॉइंट भी दिखाऊंगा, तो कि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसके हिसाब से आप लोग फ्यूचर और या ऑप्शन में आप लोग ट्रेड ले सकता है और कुछ भी मार्केट ऊपर जाएगा कहीं आप लोग स्टॉक में भी ट्रेड कर सकता है। तो स्टॉक में भी ट्रेड करेंगे तो आप लोग को कम पे आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, कौन सा लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, कौन सा लेवल से मार्केट नीचे जाएगा, वो आप लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो आप लोग को स्टॉक में भी ट्रेड करने का बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके बाद कमोडिटी का लेवल दिखाता हूँ, इसका भी तीनों बाय सेल लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, सभी बाय लेवल सेल लेवल 1 2 3 पिवट पॉइंट बोलिंजर बैंड ट्राइस चैनल टीरन लेवल सब आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भी बढ़िया तरीके से काम करता है। आप लोग पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, कुछ भी आप लोग को क्वेरीज आई या कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन का जरूरत होता है तो आप लोग जरूर फीडबैक दीजिए, तो मेरा खुशी होगा आप लोग को
क्वेरीज का आंसर देने के लिए, आप लोग को क्लैरिफिकेशन देने के लिए। और इधर फ्यूचर्स का लेवल देखा था वो, इसके बाद मैंने 100 डे मूविंग एवरेज इसका स्ट्रेटजी देखा था। 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है कि जिस जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है तो उस कल जब उसका हाई लो तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। इधर देखिए ब्रिटानिया में काट किया है, मैंने चार्ट में भी दिखा देता हूँ, ये ब्रिटानिया ये काट किया है तो इसका हाई लो जब ब्रेक होता है तो नॉर्मली अच्छा मूवमेंट मिलता है। ब्रिटानिया में हुआ है, सिप्ला में हुआ है, और भी बहुत सारा होगा, आप लोग को सभी नहीं दिखा पाऊंगा। आप लोग व्हाट्सएप में होगा, फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होगा तो आप लोग को दिख जाएगा। इक्विटास में हुआ है और ICICI बैंक में हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैंने इंसर्ट दबा NF4 NF7 का स्ट्रेटजी दिखाऊंगा। तो देखिए ये वन डे का हिसाब से इंसर्ट दबा रहा है, जो लोग को पता चलता है कि ये अगला दिन का कैंडल का अंदर रहेगा आज का कैंडल, तो जब अगले दिन का कैंडल का हाई लो ब्रेक होता है अच्छा मूवमेंट मिलता है। NF4 का केस में जब आज का कैंडल को जो कल जब ब्रेक करेगा तो उसका अच्छा मूवमेंट मिलता है। इसमें क्या है, एक बार देखा लेता हूँ अदानी एंड में, ये वन डे का हिसाब से इंसर्ट दबार भी बना है और वन डे का हिसाब से इंसर्ट दबार भी बना है और NF4 भी बना है। देखिए कल का अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया तो इसे ये इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और ये NF4 भी हुआ है कि ये छोड़ के जो तीनों कैंडल का जो हाई लो का डिफरेंस है, हाई लो का जो डिफरेंस है आज का जो डिफरेंस है ये सबसे कम है, तो ये क्या है होता है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होता है, तो जब इसका हाई लो ब्रेक होता है अच्छा मूवमेंट देता मिलता है। तो इधर देखिए बहुत सारा तो बना है, NF4 NF7 हुआ है अदानी पोर्ट में, इधर अदानी पावर में, अब लोग अमराज बैटरी में इंसर्ट दबार, NF4 NF7 एक दो दिखा देता हूँ अब लोग को। हमारा ज़्यादा देख के आप कुछ कुछ चीज़ में ऊपर काम कीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सभी के ऊपर आप लोग काम मत कीजिए। मैंने तो दिखा देता हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी चुन लीजिए उसके ऊपर काम कीजिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं जब बैटरी में देखे इंसर्ट दबार NR4 NR7 बना है, आप लोग इधर से भी देख सकते हैं, और इधर और भी बहुत कुछ है, अपोलो हॉस्पिटल, अशोक लेलैंड, और इधर और फार्मा। ठीक है, मैंने इसको इंसर्ट दबार NR4 दिखा दिया, इसके बाद और भी बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बना के रखा है, तो इधर देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या दो जी डाउन ट्रेंड हुआ है बजाज फिंसर में, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, और ये लोअर लो तीन लगातार तीन दिन से लोअर हाई लो बना है। इसमें चोला फिन में देखिए लगातार तीन दिन से लोअर हाई एंड लोअर लो बना है, तो इसका जो हाई लो ब्रेक होता है तो और भी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इसका कॉनकॉर में हुआ, इधर हायर हाई हायर लो बना है, डाबो डीवी स्लैब भी कहता है, कुछ भी देख लेते हैं, डीवी स्लैब को देख लेते हैं, आप लोग भी कुछ चेक कर सकते हैं। देखिए लगातार तीन दिन से ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो इसमें जब ब्रेक होता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो इधर हो गया, इसके बाद देखिए इधर इन्वर्टेड हेमर बना है कैडिला हेल्थ में, इन्वर्टेड हार्मर बना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इधर पॉजिटिव हार्मर या हैंगिंग मैन कुछ फलता नहीं बना देता नहीं है, ऐसा कुछ बना नहीं है। और इधर देखिए बहुत सारे मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हम लोग कुछ भी इधर सेकआउट एक पैटर्न बना है, इधर NKS बना है, ये सब आप लोग इधर से नोट कर लिख सकते हैं। जब ये हाईलाइट होता है मास्टर लॉन्ग इधर बना है, इसमें मास्टर लॉन्ग और फार्मा, इसमें मास्टर लॉन्ग बना है इधर। अच्छा ये देखिए बुलिश एंगल्फिंग बना है एशियन बैंड में, एशियन